नाहन सीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता व उम्मीदवार डॉक्टर राजीव बिंदल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल यहां अलग अलग गुटों में बैठी कांग्रेस अब एक मंच पर आकर चुनावी प्रचार में जुट गई है। नाहन में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रचार कर यहां से प्रत्याशी अजय सोलंकी के लिए वोट मांगे। नाहन कांग्रेस की गुटबाजी प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी। यहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधायक विक्रमादित्य सिंह के कार्यक्रमों के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में उलझ गए थे, मगर अब यही सभी नेता अपने मन मुटाव दूर कर एक साथ चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय बहादुर सिंह ने बताया कि जो भी मन मुटाव कांग्रेसी नेताओं के बीच थे वह सब बैठकर दूर कर लिए गए हैं और अब कांग्रेस का लक्ष्य एकमात्र जहां जीत को हासिल करना है। उन्होंने माना कि कांग्रेस में निश्चित तौर पर मनमुटाव थे, मगर आप सभी मनमुटाव दूर हो चुके हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर ही कांग्रेसी नेताओं ने दूर किया और किसी बड़े नेता को इसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि नाहन थी पर अब भाजपा का कांग्रेस एकजुटता के साथ मजबूती से मुकाबला करेगी। मनमुटाव था, काफी मनमुटाव था लोगों के बीच में कई बातों को लेकर, इसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो कि जग जाहिर है, जो बात सामने आई है वो कभी भी छुप नहीं सकती और ना मैं उसको छुपाना चाहता। पर मुझे खुशी इस बात की है कि सब लोगों ने अपने एक अच्छा प्रदर्शन किया और जो नेगेटिव एनर्जी है उसको किनारे करके पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हम लोग इकट्ठा होकर आगे बढ़े। मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो इशू था हमारा आपस में मनमुटाव का, वो हम किसी के प्रेशर में आके नहीं, ना किसी बड़े लीडर के हस्तक्षेप से। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, किसी भी बड़े लीडर का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ और सब लोग आपस में बैठे, आपस में बैठ के सबने बात की और बैठकर ये देखा कि इस वक्त हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक मुसीबत आई हुई है। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है, जो धन से संपन्न है और पावर में भी है, स्टेट में भी पावर में भी है और देश में भी पावर में है और हर जगह वो चुनाव जो है वो अग्रसर बढ़ती जीत जा रही है। एक सिर्फ हिमाचल ही ऐसा प्रदेश था जिसने कि एकजुट होकर तीन विधानसभा की सीटें और एक जो पार्लियामेंट की सीट थी, वो हम सब मुश्किलों के होते हुए भी उसे दूर कर सके और हमने वहाँ विजयश्री हासिल की। तो इसमें सबने हमने सोचा कि सबको अपने मनमुटाव दूर कर एकजुट होकर हमको आपका जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी है, यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो श्री अजय सोलंकी जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बदले भी कोई और होता तो भी हम सब लोग मिलकर के इस मुश्किल की घड़ी में हमारी माँ जो कांग्रेस है उसे बचाने के लिए और अपने प्रदेश का हित देखते हुए, अपने देश का हित देखते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का हित देखते हुए हम सब एक प्लेटफॉर्म पर आज इकट्ठे हैं। और ये नहीं कि दिखावे के तौर पर हैं, जो हमारी बात थी वो खुल करके सब बात सामने आ गई है। बहुत अच्छा जो है रिस्पांस मिल रहा है लोगों, आज हम यहाँ सभी कार्यालय हम घूम रहे हैं, अभी कोर्ट्स में भी गए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर्मचारियों का भी और एडवोकेट्स का भी, सभी जो अधिवक्ता है वो भी हमारे साथ ही प्रचार में है और कर्मचारियों के पूर्व नेता जो हैं कर्मचारी भी, ये हमारे जिला अध्यक्ष रहे ये भी साथ ही घूम रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स एक है। और कर्मचारियों में तो जो पुरानी पेंशन बहाली का जो है बहुत बड़ा एक मुद्दा है और लोग अपने मुँह से इसके लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं और सभी लोग आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता वरिष्ठ से और कनिष्ठ सभी एकजुट हो गए, पूरा परिवार जो है इस कार्य में लगा है। बिल्कुल, कोई देखिए टिकट मांगने का हक हर कार्यकर्ता का बनता है और सबने वहाँ तक की लड़ाई थी, उसके बाद सभी परिवार इकट्ठा और एकजुट होके कांग्रेस पार्टी की सफलता के लिए और आने वाली जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से बनने वाली है, उसमें अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी लोग मैदान में हैं।